पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कैनवा डॉट कॉम। कैनवा डॉट कॉम आप सभी को पता है, वहां पे एक डिजाइनिंग टूल है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और मैंने वो मेरे जीमेल के थ्रू मैंने उसे एक्सेस किया है, तो वहां पे मैं मेरे ओमेल के साथ उसे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। मैं दूसरा कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, या फिर मैं दूसरा एक हमारा ओमेल है, ओमेल के थ्रू हम ओमेल के थ्रू मैं रजिस्टर कर लूंगा मेरे लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, या फिर पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को, या फिर उस प्रोडक्ट को, और उसे मैं यूज करना शुरू करूंगा। तो उनके जो सजेशंस मुझे जो आएंगे ना, वो सजेशंस ओ मेल पे आने शुरू हो जाएंगे, तो वो मेरा मेल भी टारगेट हो जाएगा मार्केट में, उनके मार्केटिंग कैंपेनिंग में, और सर्कुलेट हो जाएगा। और रही बात, हमने किसी को दिया है मेल, ठीक है, आपके आपके बिजनेस प्रोफाइल में अगर आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, वहां पे आपने आपकी ईमेल आईडी लगा के रखी है, तो उसे आप चेंज कर पाएंगे। आपकी विजिटिंग कार्ड पर जो है वो, अगर जीमेल है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं ओमेल के साथ, आपके वेबसाइट पर है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं ओमेल के साथ, और आपके जो आपके एग्जाम्पल आपके जो क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स को आपने आपका ईमेल आईडी शेयर किया है, उनसे भी आप कह सकते हैं कि अभी मैं जीमेल यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओमेल यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा ओमेल आप नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं, और उन्हें कह सकते हैं कि आप मुझे जीमेल पर अभी मैसेजेस ना करें, आप मुझे ओमेल पर मैसेज करें, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे वो मेल ही आपकी प्राइमरी मेल हो जाएगी, ओ मेल, और बाकी सारे फिर जो भी आपके काम होंगे उस ओ मेल के थ्रू ही होंगे। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। यस, थैंक यू सो मच अनूप सर। वाकई में आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। हमारे बीच में एक हैंड रेस है, राजेश गुप्ता जी, प्लीज मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आए और अपना सवाल रखें सर। हेलो, यस यस, वेलकम सर। सर आवाज आ रही है सर जी? 369 पर उपस्थित सभी होस्ट को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम सर। और मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैं 8 दिन पहले पेंडिंग अमाउंट ट्रांसफर किया था दो लोगों का, उनका तो सर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, एनडीए भी सिग्नेचर किया, लेकिन सर 8 दिन के बाद उनका एनडीए में वो डैश मार्क आ गया है सर जी, और इसके वजह से उनका आईडी ओपन नहीं हो पा रहा है। एनडीए मैं दो में तीन क्या दिन के बाद क्या फिर आया है, एनडीए उनका में क्या आया है, डैश मार्क आ रहा है सर, ऊपर में डैश मार्क आ गया है डैश मार्क? जी, थोड़ा कोमा होता है ना कोमा। एनडीए साइन की बात कर रहे हो आप, सिग्नेचर की? हाँ, एनडीए सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करने के बाद उनका 4-5 दिन अच्छा से ओपन हो रहा था सब कुछ, लेकिन बीच में फिर ओपन किया तो उनका ये ओपन नहीं हो पा रहा आईडी सर जी। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आईडी ओपन नहीं किसी हो ने रही अनूप है? सर, जी किसी ने आईडी, ऐसा ऐसा एक पहले भी प्रॉब्लम आई थी, मे भी किसी का ना एनडीए दोबारा आया हुआ है, एक कुछ पर्सन का एनडीए दोबारा आया था, तो उन्होंने साइन की जगह उनका सिर्फ डॉट लग गया, तो उन्होंने सेव कर दिया, मतलब कि उनका एक्चुअल में एनडीए साइन नहीं है शायद, ऐसा बोल। नहीं, प्रॉब्लम सर मेरा क्या है ना, मैं साइन उनका नाम बराबर वो लिखे थे नाम, जैसे भारती उनका नाम था, वो भारती नाम लिखे और एक का नाम था राजपूत, करण राजपूत, तो राजपूत अपना सरनेम डाले, वो बराबर ओपन हो रहा था, लेकिन अचानक फिर 8 दिन के बाद ओपन किया तो उनमें डैश मार्क आ रहा है। नाम बराबर है, सिग्नेचर बराबर है, लेकिन डैश आ रहा है बीच में। तो आप ओ फाउंडर को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, लॉगिंग हो रहा था लेकिन बीच में ओपन नहीं हाँ, हो तो रहा है सर, अभी वो अभी अभी 10 मिनट रिसेंटली रिसेंटली अभी करंट करंट सिचुएशन क्या है, अभी लॉगिन कर पा रहे हैं आप अभी? तो आज तो नहीं ट्राई किया, कल ट्राई किया था, लेकिन कल भी वो 10 मिनट और क्या होता है ना वही बार बार आ जा रहा था, देखिए, तो रिसेट इंटरनल मारा सर्वर एरर, पासवर्ड। इंटरनल सर्वर एरर अगर आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और एनडीए फॉर्म अगर आपको 2 बार आया है तो ठीक है, उसमें से नहीं एक नहीं ही एनडीए, फॉर्म कैलकुलेट, बाय डिफॉल्ट एक ही कैलकुलेट होगा कंपनी की तरफ से। और मे भी अगर किसी के एनडीए से रिलेटेड इश्यू आते भी हैं, तो ये एनडीए आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इसके बारे में, क्योंकि आपकी जो केवाईसी होने वाली है, तो वहां पे और सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो रियल डॉक्यूमेंट्स जी होंगे जी जो हमें क्या साइन करने हैं। तो अभी ये जो एनडीए है, ये एनडीए हमें इसलिए साइन करना होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ऑन पैसिव की, और उस सारी टर्म्स एंड जी कंडीशन को हम एग्री कर रहे हैं, और कंपनी के साथ हम एक एथिक के साथ आगे बढ़ेंगे, ये सारा हमारा एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। और एनडीए का इशू जी आ रहा है तो आप सिंपली आप सपोर्ट को मेल करिए और आपको एनडीए फॉर्म वापस आ जाएगा। बट उसके लिए मे भी मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो स्पॉन्सर है उनके मेल से भी आपको एक रेफरल मेल करना पड़ेगा, वो भी रेफर करेंगे कंपनी को आपके लिए,
कि भाई इनका जो एनडीए है ये साइन नहीं हुआ या फिर गलत हुआ है, तो इनके लिए एक नया एनडीए फॉर्म भेजा जाए। तो डोंट वरी, सर अभी गवर्नमेंट की उनका तरफ तो पासवर्ड तो रिसेट नहीं मारना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार हमें अभी रिसेट मार अभी चुका। आप पासवर्ड रीसेट मत करिए। अगर आपने एक बार कर दिया और वो जो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है उसे नोट डाउन करके रखिए, उसे रीसेट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोल क्या रहा हूँ कि 8-10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद जिन लोगों को कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड आया है, जैसे बहुत सारे लोगों की आईडीज अभी पुरानी आईडी किसी को ट्रांसफर हुई, तो इंस्टेंटली वो क्या करते हैं कि भाई एक कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड जो इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको हड़बड़ाहट जी में कुछ फिर ऐसी चीजें होती है कि नेटवर्क के इश्यूज आते हैं, फिर आईडी ओपन नहीं होती है, फिर आप डर जाते हो। तो अभी आपको इतना हार्ड एंड फास्ट उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर एक कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड आपको आ रहा है तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि बहुत सारे उसमें नंबर्स हैं, बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो ये हम अगर बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या बनाते हैं पासवर्ड, हमारे नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, या फिर हमारी जो जो सबसे फेवरेट कोई चीज है उसकी, उसका नाम, गाड़ी का नंबर, ऐसे हम बनाते हैं। जी 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 तो ये जो कंप्यूटर जनरेटेड आ रहा है पासवर्ड आपको, ये अच्छा पासवर्ड है। अगर आप उसे नोट डाउन करके, रीड करके, उसको याद करके रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर होगा आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनूप सर एंड राजेश सर। थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन किया, सभी लोगों को आंसर मिल गया होगा। एंड हमारे बीच में आशुतोष सोलंकी जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आए और अपना क्वेश्चन करें। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। फर्स्टली अपना मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर, और आपकी वजह से आज पूरी इंडिया ऑन पे सिम में है, और हमारे जितने भी को होस्ट हैं आपको इसमें मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, मेरे को इनवाइट किया आपने। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ अपने ग्लोबल लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी जी के लिए, कि उन्होंने एक पहल स्टार्ट की थी। आज से मैं 2019 की बात करता हूँ, दिसंबर की, मैं भी उस पहल में एंटर किया था। मेरे एक अपलायन थे उन्होंने, और उस समय फोन पैसे को लेके कोई ज्यादा चीजें नहीं थी। मैं कंटिन्यू 7 से 8 दिन जस्सी जी की मीटिंग को अटेंड किया था दिसंबर मंथ में, लास्ट वीक में, और वहां पर आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी, 30 से 40 बंदे डेली मीटिंग के अंदर आते थे, और वहां पर जस्सी जी जो है हर किसी का विजन क्लियर करते थे। 30 से 35 बंदों की मीटिंग को 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू करते थे, हर कोई बंदा इतने कम आशुतोष सर, एनर्जी। मैं हेलो, सॉरी चाहता हूँ आशुतोष सर, क्या है कि ये Q&A सेशन है सर। हमारा सेशन होता है, जस्सी पाजी आते हैं संडे को, एंड एक और सेशन हमारा जस्सी सर का है, तो ये Q&A सेशन है। तो अगर आशुतोष सर आप बुरा ना माने, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे हैंड रेस हाँ, है ना। मेरा एक क्वेश्चन भी है सर, चलो थोड़ी उसके लिए ना, तो उनकी मुहिम से आज जो है एक छोटा सा टापू एक हिमालय में कन्वर्ट हो चुका है, और आने वाले समय में रियली यहाँ पर हर किसी की लाइफ स्टाइल चेंज होगी, और हर कोई जो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग में जाने से जो लोग डरते थे, वो ऑन पैसिव के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग जा पाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट छोटी लेवल की जो कम्युनिटी है बाय नहीं कर पाती थी, वो ऑन पैसिव के थ्रू उन्हें मिलेंगे, कम प्राइस पर मिलेंगे, और मैक्सिमम फाउंडर्स को तो फ्री मिलने ही वाले हैं, तो मैक्सिमम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जो है पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी थैंक यू। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही है कि कई पार्टनर्स की क्वारी आती है कि वो अपने मेल को लूज कर चुके हैं, तो उसका क्या रिकवरी तो नहीं हो पाएगा, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ऑन पेसिंग में है? क्योंकि सपोर्ट करके ट्राई कर लिया है, उसका कोई अभी तक क्लियर ऑप्शन रिप्लाई हमको अभी तक मिला नहीं, प्लीज। हाँ
यस अनूप सर, अनूप सर अनूप सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर मैं पा रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे एक और, मैंने एक्चुअली साउंड का थोड़ा इश्यू है शायद यहाँ। यस आप जी क्वेश्चन किया था उन्होंने कि जो मेल आईडी है सर, प्लीज आप दोबारा से करें क्वेश्चन सर। ओके आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू हो गया है, वो बाहर हो गए हैं मुझे ऐसा लगता है। मुझे वॉइस ही उनकी सुनाई नहीं दी ठीक से। बिल्कुल उनका नेटवर्क इशू था, तो नो इशू सर हमारे बीच में। देखिए सर मैं एक अनाउंस करना चाहता हूं और ये बहुत जरूरी भी है। अभी हमारे पास 20 से ज्यादा हैंड रेसेस हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो ये जो टाइम है ना बहुत शॉर्ट अभी होने वाला है, क्योंकि हम सेशन बहुत लंबा नहीं करने वाले हैं।